नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। शहर में अब जब नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी चीज़ों की दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है, तब पालिका प्रशासन की आरोग्य विभाग की टीमें भी हरकत में आई है और खाद्य चीज़ों की चेकिंग के साथ 55 दिनों के लॉकडाउन में फरसान की दुकानों का पुराना खाद्य पदार्थ नष्ट करने की कार्यवाही की जा रही है। तब कारलीबाग विस्तार की जगदीश फरसान में खाद्य और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सर्च किया था। वैसे तो 55 दिनों पुरानी चीज़ें दुकानदार अपनी तरह से नष्ट कर ही रहे थे, फिर भी प्रशासन शहर में स्वास्थ्य संबंधित कोई नए प्रश्न सामने न आए इस हेतु से शहर के विभिन्न विस्तारों में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। છેલ્લા 55 દિવસથી આસપાસ આ લોકડાઉનના કારણે કાચી દુકાનો જે ખોલવામાં આવી છે તેમાં જે જૂનો માલ હોય એ સ્વેચ્છાએ ડિસ્ટ્રોય કરવા માટે આ વેપારીને જાણ કરેલ છે। વેપારી લોકો તમામ સ્વેચ્છાએ ડિસ્ટ્રોય કરે જ છે, એટલે આપણે અમારી હાજરીમાં અત્યારે જે જૂનો માલ હોય કે 55 દિવસ દુકાન બંધ હતી, વેચતા નહોતા એ લોકો, પણ 55 દુકાન બંધ હતી, જે માલ બગડી ગયો એ લોકો સ્વેચ્છા ડિસ્ટ્રોય કરે છે। એસી હી તાજા તરીન ખબરો સે અપડેટ રહેને આપ હમે યુટ્યુબ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓર ટ્વિટર પે सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।